सिर्फ एक ही ऐसी लड़की है जिससे सच्चे दिल से प्यार किया है। सिर्फ एक ही ऐसी लड़की है जिससे सच्चे दिल से प्यार किया है। सो ओके गाइस, कैसा लगा आप सभी का आज का ट्रेंडिंग जो है ना इंस्टाग्राम सॉन्ग वाला स्टेटस वीडियो, आप सभी कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सो गाइस, अगर आप लोग कुछ इस प्रकार का रील्स ट्रेंडिंग स्टेटस वीडियो बनाना चाहते हैं तो आप सभी बस इस वीडियो को पूरा ध्यान से एंड तक देखिएगा। अगर आप लोग वीडियो के एक भी पार्ट को स्किप कीजिएगा तो आप लोगों से नहीं बनेगा और एडिट भी नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम यहाँ से बिना देर किए वीडियो को शुरू कर लेते। तो सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को अपने मोबाइल में से कैनवासर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना होगा। ओके, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं मैंने पहले से ही कैनवासर एप्लीकेशन को ओपन करके रखा हो। तो अब दोस्तों आप लोगों को स्क्रीन पे टच करना है। ओके, उसके बाद अब आप लोग ऊपर के साइड में कोने में देख सकते हैं जो इंपोर्ट लिखा है, तो आप लोगों को इस इंपोर्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद अब आप सभी मेरे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में चले जाइए और वहाँ पर दोस्तों आप सभी को एक लिंक मिल जाएगा सॉन्ग बीट मार्क प्रोजेक्ट का, तो आप लोगों को उसको डाउनलोड कर लेना। जो आप लोगों ने डाउनलोड किए थे डिस्क्रिप्शन से, आप लोगों को उस पर इस तरीके से क्लिक कर देना होगा। क्लिक कर देते ही अब दोस्तों आप सभी के मोबाइल के कैनवासर में यहाँ पर आप लोग देख सकते कुछ इस प्रकार का प्रोजेक्ट खुल करके आ जाएगा, ठीक है। तो अब दोस्तों आप सभी को यहां से करना क्या है, बस वीडियो को आप लोगों को ध्यान से देखना होगा, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों को वीडियो को स्टार्टिंग में आ जाना और यहाँ पर आप लोगों को ब्लैक बैकग्राउंड देखने को मिल रहा है, तो ब्लैक बैकग्राउंड पर टच करना, रिप्लेस में जाना और यहाँ से फ्रेंड्स अब आप लोग अपने फोटो वाले के गैलरी में जा करके यहाँ पर जिसके भी मेजर फोटो से बनाना चाहते आप लोगों को दोस्तों यहाँ पर उसको इमेज को रिप्लेस करना होगा, ठीक है। तो चलो दोस्तों यहाँ पर मेजर फोटो को रिप्लेस कर दिया। उसके बाद अब दोस्तों आप लोग थोड़ा सा फिर से आ जाएगा तो दोनों उंगलियों को पकड़ के जूम करना है, फिर से ब्लैक बैकग्राउंड पर टच करना है, रिप्लेस में देना है, फिर से आप लोगों को फोटो वाले के गैलरी में जाकर के यहाँ पर फ्रेंड्स आप लोगों को फोटो को रिप्लेस कर देना है, फिर से अगला ब्लैक बैकग्राउंड पर टच करना है, रिप्लेस में देना है, फिर से फोटो वाले के गैलरी में जाकर के यहाँ पर आप लोग फोटो को रिप्लेस कर देना है, ठीक है। तो दोस्तों अब आप लोगों को कुछ इसी प्रकार से यहाँ पर जितना जो ब्लैक बैकग्राउंड देख रहे हैं सभी पर आप लोगों को दोस्तों फोटो को रिप्लेस कर देना होगा, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग इतना काम तो कर सकते हो। तो चलो दोस्तों फटाक से यहाँ पर मैं जितना जो ब्लैक बैकग्राउंड है सभी पर मैं फोटो को रिप्लेस कर ले रहा हूँ और इस काम को मैं थोड़ा सा स्किप कर देता हूँ। ओके, सो फाइनली गाइज आप लोग देख सकते हो जितना जो ब्लैक बैकग्राउंड था सही पर मैंने फोटो को रिप्लेस कर दिया, ठीक है। अब दोस्तों आप लोगों को करना क्या है, बस वीडियो को ध्यान से देखना होगा और एक भी पार्ट को स्किप नहीं करना, ठीक है, क्योंकि दोस्तों मेन टॉपिक जो यहाँ पर मेरा यहीं पर है, ठीक है। तो आप लोग बस वीडियो को ध्यान से देखिए। तो आप लोगों को वीडियो को स्टार्टिंग में आ जाना है, लेयर पर क्लिक करना है, मीडिया पर क्लिक कर देना है और दोस्तों अब आप लोगों को यहाँ से करना क्या होगा, एक इफेक्ट वीडियो को एड करना। चलो दोस्तों यहाँ पर मैंने उस इफेक्ट वीडियो को एड कर दिया। इफेक्ट वीडियो एड हो जाने के बाद अब आप लोगों को इफेक्ट वीडियो पर टच करके नीचे जाना है स्प्लिट स्क्रीन में और व्हाइट वाले बॉक्स पर क्लिक करके फुल स्क्रीन में कर देना होगा, ठीक है। उसके बाद एक बार बैक आ जाना, बैक आने के बाद अब दोस्तों आप लोग कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आ जाए, ठीक है, जहाँ पर दोस्तों मेरा बीट लगा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मेरा बीट लगा 4.696 सेकंड पर आ जाना और इफेक्ट वाला जो वीडियो है आप लोगों को दोस्तों यहाँ पर इस प्रकार से आकर का दोस्तों आप लोगों को यहाँ से कट लगा देना होगा, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स अब आप लोगों को कुछ इस प्रकार से वीडियो को स्टार्टिंग में एक बार और जाना है। आने के बाद फ्रेंड्स अब आप लोगों को सबसे पहले करना क्या होगा, इस इफेक्ट पर टच करके नीचे जाना होगा। आप लोग देख सकते ब्लेंडिंग का ऑप्शन, इस ब्लेंडिंग में जाकर आप लोगों को पहले इसको स्क्रीन कर लेना, ठीक है। स्क्रीन करने के बाद सॉरी दोस्तों आप लोगों को इसको यहाँ पर स्क्रीन नहीं करना है, स्क्रीन नहीं करना है, आप लोगों को यहाँ पर करना क्या होगा, कुछ इस प्रकार से नीचे जाना है अल्फा में और दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर इस प्रकार से कम कर देना होगा, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर मैं 60 पर रख लिया हूँ, आप लोगों को भी कुछ इस प्रकार से 60 पर रखना है। उसके बाद अब आप लोगों को इसी इफेक्ट पर फिर से टच कर देना होगा और नीचे जाना होगा क्रोमा की में और दोस्तों आप लोगों को इसको इनेबल कर लेना है। इनेबल हो जाने के बाद की कलर में जाकर दोस्तों आप लोगों को ग्रीन को सिलेक्ट करके डन कर देना है। डन करने के बाद अब फ्रेंड्स अब आप लोगों को फिर से वीडियो को स्टार्टिंग में जाना है। आने के बाद लेयर पर क्लिक कर देना, मीडिया पर क्लिक करना है और दोस्तों अब आप लोगों को यहाँ पर एक इमेज को एड करना है जिसके भी मेजर फोटो से आप लोग बनाना चाहते हो। देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर मैं जो है इमेज को एड कर लिया। इमेज एड हो जाने के बाद अब फ्रेंड्स अब आप लोगों को सबसे पहले इस इमेज पर टच करके क्रॉपिंग में जाना है, मार्क्स को इनेबल करके शेप्स में जाना है। दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर सर्कल का यानी कि जो गोलाकार है उसको सेलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद फिर से एक बार बैक आ देना और यहाँ पर दोस्तों सही तरीके से पूरा सर्कल में कर करके फीदर को थोड़ा सा बढ़ाना है। ओके,
उसके बाद फिर से इसी इमेज पर टच करेंगे। और दोस्तों यहाँ पर जो देख सकते हो जो सर्कल जो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर, इसको दोस्तों आप लोगों को इस प्रकार से एडजस्ट करना होगा। ठीक है, देख सकते फ्रेंड्स यहाँ पर मैं जिस प्रकार से करो आप लोगों को कुछ इस प्रकार से करना। ठीक है, उसके बाद आप लोग को इस इमेज का रोटेशन कुछ इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ तक कर देना। ठीक है, उसके बाद आप लोग को वीडियो को स्टार्टिंग में आ जाना, इसी इमेज पर टच करना जो आप लोगों ने सर्कल मोड में बनाया था। उसके बाद इमेज पर टच करने के बाद चाहे वाले आइकन पर क्लिक करके दोस्तों अब आप लोगों को सबसे पहले इसको पूरा छोटा इस प्रकार से कर देना होगा। ठीक है, देख सकते फ्रेंड्स यहाँ पर मैं जिस प्रकार से छोटा कर रहा हूँ उस प्रकार से आप लोगों को कर देना है। उसके बाद थोड़ा सा आगे जाना और दोस्तों आप लोगों को इमेज को इस प्रकार से बड़ा थोड़ा सा जूम करके यहाँ पर दोस्तों इसे सर्कल में आप लोगों को सेट करना होगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अब आप लोगों को फिर से करना क्या होगा, इस प्रकार से थोड़ा सा आगे जाना, फिर से जिस प्रकार से ये बढ़ रहा है सर्कल उसी तरीके से आप लोगों को इमेज को भी इस प्रकार से बढ़ाना होगा। ठीक है, उसके बाद फिर से आगे जाना है, फिर से इमेज को आप लोगों को ड्रोशन इस प्रकार से थोड़ा सा बढ़ा देना होगा और यहाँ पर दोस्तों इसी सर्कल में आप लोगों को सेट करना है। फिर से आगे जाना है, फिर से इमेज को आप लोगों को कुछ इस प्रकार से बढ़ा करके सर्कल में सेट करना है। फिर से आगे जाना है दोस्तों, यहाँ पर सही तरीके से एडजस्ट करना है। फिर से आप लोगों को इस प्रकार से आगे जाना है और अब छोटा है तो दोस्तों आप लोगों को छोटा इस प्रकार से कर देना होगा। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स अब आप लोगों को करना जैसे यहाँ पर सही तरीके से एडजस्ट करना है। फिर से आगे जाना है, फिर से इस प्रकार से छोटा करके दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर करना क्या होगा, इस प्रकार से यहाँ पर एडजस्ट करना होगा। ठीक है, उसके बाद फिर से आगे जाना होगा, फिर से आप लोगों को सही तरीके से एडजस्ट करना है। फिर से आगे जाना है, फिर से थोड़ा सा छोटा करके एडजस्ट करना है। फिर से आप लोग से तो ऊपर जा रहा है तो आप लोगों को ऊपर इस प्रकार से ले जाना होगा। ठीक है, देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर मैं जिस प्रकार से कर रहा हूँ आप लोगों को भी कुछ उसी प्रकार से यहाँ पर करना होगा। ठीक है, तो आप लोग बस यहाँ पर वीडियो को ध्यान से देखिएगा तभी आप लोगों को समझ में आएगा, वरना आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। ओके, देख सकते फ्रेंड्स यहाँ पर मैं कर लिया। उसके बाद आप लोगों को थोड़ा सा आगे जाना है, ऊपर इसको ले जाना। ठीक है, फिर से आगे जाना, उसके बाद पूरा ऊपर ले जाना। इतना होने के बाद अब दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर देख सकते जो इफेक्ट जो देख सकते जो कुछ दिल वाला इफेक्ट है इस पर टच करके नीचे जाना होगा आप लोग ब्लेंडिंग में और आप लोग इसको ना क्या होगा स्क्रीन कर देना। स्क्रीन इतना करते ही अब आप सभी के लिए आज का ये वीडियो है बनकर रेडी हो जाएगा। तो आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि आज का ये इंस्टाग्राम ट्रेंडिंग वाला वीडियो बहुत पसंद है, अमेजिंग लगा हुआ। तो आप सभी बस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर जो जो भाई हमारे न्यू विजिट करते चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करके आप सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि मैं इसी प्रकार का वीडियो जब भी कोई डालूंगा तो उस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी के मोबाइल में पहुंचेगा। ओके, तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते कुछ इसी प्रकार के नए कमाल की और बेहतरीन धमाकेदार और ट्रेंडिंग स्टेटस वीडियो एडिटिंग के साथ।